वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड स्टॉक की बात की जाए तो ऊर्जा ग्लोबल 12.05 पे यहाँ पे क्लोजिंग देता हुआ नजर आ चुका है। आज के दिन में 20 पैसे अप क्लोजिंग दिया, तकरीबन 1.69% अप क्लोजिंग देता हुआ नजर आ चुका है ऊर्जा ग्लोबल स्टॉक। तो आज देख सकते हो कि ओपन हुआ था, फ्लैट ओपन होने के बाद जो है प्रीवियस क्लोजिंग का जो सपोर्ट लिया ऊर्जा ग्लोबल ने, और सपोर्ट लेते एक अच्छा बाउंस बैक सुबह में देखने को मिला था। एक रिकवरी भी देखी थी, पर सुबह के बाद देख सकते कि गिरावट देखने को मिली। उसी गिरावट में देख सकते पूरे दिन भर जो प्रीवियस क्लोजिंग थी उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लगा और उसी के सपोर्ट लेके ऊपर स्टेबल रहा यहाँ पे ऊर्जा ग्लोबल स्टॉक। तकरीबन मार्केट कैप 713 करोड़ की हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते पी रेशो अभी भी बहुत ही ऊपर है, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए सही नहीं है। पिछले 5 दिनों की मूवमेंट देखी जाए तो 2.55% की रैली की है ऊर्जा ग्लोबल स्टॉक ने। तो ऊर्जा ग्लोबल का वॉल्यूम भी देखा जाए तो 20 लाख टोटल वॉल्यूम देखने को मिला है ऊर्जा ग्लोबल स्टॉक में। ट्रेडेड वैल्यू देखा जाए तो 242 लाख का टोटल ट्रेडेड वैल्यू देखने को मिला है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि बाकी के डिटेल देखे जाए, सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन भी देखा जाए, 18 लाख में से 7 लाख क्वांटिटी डिलीवरी के लिए चली गई, तकरीबन 40% जो क्वांटिटी डिलीवरी के लिए जाते हुए नजर आ चुके हैं। और ब्लॉक डील की भी बात किया तो आज कोई ब्लॉक डील नहीं हो चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो बाकी की डिटेल ऊर्जा ग्लोबल में देखी जाए तो ऊर्जा ग्लोबल ने देख सकते कि एक अच्छा बाउंस बैक किया था, पर ऊपर देख सकते हो कि 12 लेवल जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एक्ट होता हुआ नजर आ रहा है ऊर्जा ग्लोबल स्टॉक के लिए। जबकि 12 लेवल ब्रेक होगी तभी एक अच्छी बाइंग साइड में मूवमेंट देखने को मिल सकती है ऊर्जा ग्लोबल स्टॉक में। ब्रेक नहीं होता है 12 लेवल तो फिर से गिरावट होकर 10 लेवल तक आने के चांसेस भी देखने को मिल सकते हैं ऊर्जा ग्लोबल स्टॉक के अंदर। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट ऊर्जा ग्लोबल स्टॉक के लिए।